और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से चार चार मोबाइल बरामद, इससे बड़ा कोई सफेद झूठ नहीं हो सकता। मेडिकल बोर्ड की अवहेलना की गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का कि जब तक मुकदमा चल रहा है आप बगैर हमारे परमिशन के तबादला नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारा तबादला करवा के और किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया। स्टार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित कारण है। आनंद मोहन की हम बात करेंगे। 23 अक्टूबर यानी जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर मतदान होना था उसके 7 दिन पहले अचानक देर शाम जिस जेल में जिस कारा में आनंद मोहन थे वहां पर छापेमारी होती है, औचक छापेमारी होती है और इसके बाद आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल फोन पकड़ा जाता है। अच्छा, दावा किया जाता है प्रशासन के द्वारा, जिसके बाद आनंद मोहन भी एक्शन में आ जाते हैं और जो राजपूत वोटर्स होते हैं इन सीटों पर उनको नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने की मांग भी करते हैं। खैर, ये सब प्रकरण अब खत्म हो गया और इस घटना को बीते हुए भी आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन आनंद मोहन अब एक नया आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। आनंद मोहन का कहना है कि यह जानबूझकर कार्रवाई की गई थी, महज 32 मिनट की यह छापेमारी थी और 32 मिनट में कभी भी पूरा जो जेल होता है उसकी छापेमारी नहीं की जा सकती, साथ ही साथ अगर एक वार्ड हो उसकी भी छापेमारी 32 मिनट में संभव नहीं होती है। तो ऐसे में आखिरकार किस बात का बदला लेना चाहते हैं नीतीश कुमार? आपको बता दें कि गोपालगंज के पूर्व डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को आजीवन जेल की सजा सुनाई गई थी, 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है। पहले जरा सुन लीजिए कि आनंद मोहन का क्या कुछ कहना है। काफी समझाते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनसे बदला लेने के लिए उनके वार्ड में छापेमारी की गई थी। 23-10 को रात के 7:30 बजे अचानक एक औचक छापेमारी मंडल कारा सहरसा में होती है। ये सिर्फ 32 मिनट चलती है, सिर्फ 32 मिनट। जेल के किसी पदाधिकारी को, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो या जेलर हो, किसी को आने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर रोक दिया जाता है। इसका प्रूफ है सीसीटीवी कैमरा जो गेट के बाहर भी है, गेट में है और गेट के अंदर, जेल के अंदर जो गेट है उसमें, तीनों जगह है। ये छापेमारी 32 मिनट में संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। एक वार्ड की छापेमारी हो सकती है 32 मिनट में, 40 मिनट में, लेकिन संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। ये बताता है इंटेंशन, ये कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक व्यक्ति को जानबूझ के तबाह करने के लिए, तंग करने के लिए आप गए। मेरे पास से बताया गया कि चार मोबाइल, यहाँ प्रेस के सारे लोग हैं और वकील लोग हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आपके पॉकेट में कितना मोबाइल है, बताइए आप। एक बहुत ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, या आप एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए। 4 मोबाइल आप कहाँ कहाँ रखिए, ये असंभव है। ये तब जब आप पेंट में है, शर्ट में है, बंडी में है और क्या कहते हैं आपके कई पॉकेट। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम लुंगी में रहते हैं, वहाँ तो हम कुर्ता में रहते हैं या तो एक शर्ट में रहते हैं या गंजी में रहते हैं। गर्मी का समय था, अक्टूबर, कोई ज्यादा का नहीं था। और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बरामद, इससे बड़ा कोई सफेद झूठ नहीं हो सकता ना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कौन पकड़ा, अगर दीपक कुमार को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 1 में दीपक कुमार यादव करके पकड़ा गया ना, उसका वीडियोग्राफी होगा, उसके मोबाइल के साथ उसके जिस बैग में पकड़ा गया उसकी वीडियोग्राफी की गई, मेरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अगर हमारे पास से 4 मोबाइल पकड़ाया तो SDO पकड़े, हमारे यहाँ कौन गए थे छापेमारी? बाहर में थे, गेट में तो SP और DM बैठे हुए थे। वार्ड में कौन गए थे छापामारी के लिए? अगर DSP और SDO गए तो दोनों में किसने पकड़ा, और जिसने पकड़ा कायदे से उसको हम पर मुकदमा करना चाहिए, FIR करता वही होते, मुकदमा उनको करना चाहिए हम पर,
और मुकदमा के बाद जब्ती सूची पर हमारा हस्ताक्षर होना चाहिए, जब्ती सूची हमको देना चाहिए एक प्रति। अगर हम डिनाई करेंगे तो वीडियोग्राफी होना चाहिए, दो ठो गवाह रखना चाहिए ये डिनाई किए। कौन था? पटना था, तबादला नहीं हुआ। अन्य लोग चुनाव लड़े, उनकी उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। कोरोना में स्पष्ट गाइडलाइन था कि तबादला नहीं होगा। दूसरी बात कि मेडिकल बोर्ड कहता है कि 15 दिन तक आनंद मोहन बेड रेस्ट पर होंगे। मेडिकल बोर्ड की अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है MPMLA स्पेशल कोर्ट का कि जब तक मुकदमा चल रहा है आप बगैर हमारे परमिशन के तबादला नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारा तबादला करवा के और किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया है ना, रिगिंग करके और लवली आनंद को हराया गया, ये दुनिया जानती है। ये 85,000 वोट ला करके और लवली आनंद को जबरन एक व्यक्ति भागलपुर में है, अनशन पर है, और उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम घर घर घूम रहे हैं, जितने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व है सारे लोग सहरसा में उतरे और रिगिंग करके हमारा हमको चुनाव हराया गया। इससे मन नहीं भरा है ना? क्या नियम है? नियम है कि तबादला अगर कीजिएगा तो आप मेडिकल चेकअप कीजिएगा, जेल मैनुअल कहता है, आप पूछिए इन लोगों से। और अगर आप तबादला कीजिएगा तो मेरे परिजन को आप खबर कीजिएगा। लेकिन यहाँ रात के 2 बजे हमारा तबादला किया गया, 12 बजे हमको सूचना दी गई। पूछिए कि कौन सा मेडिकल चेकअप मेरा हुआ, आप पूछिए कि किस हमारे किस परिजन को किस मोबाइल नंबर पर खबर की गई। ये अंधेर गर्दी है। आप मोबाइल ढूंढने जाते हैं लेकिन आप 50 मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल की रोशनी में आप छापा को अंजाम देते हैं। तो आनंद मोहन का कहना है कि जेल सुपरिटेंडेंट जो थे उनको भी उस दिन छुट्टी दी गई थी, तमाम जो आला अधिकारी होते हैं जेल के सभी बाहर थे। ऐसे में छापेमारी का क्या मतलब होता है? और कोई भी जो साधारण व्यक्ति होता है वो बहुत से बहुत 2 मोबाइल फोन ही अपने साथ रख सकता है, 1 या 2 मोबाइल फोन। ऐसे में आखिरकार वो 4 मोबाइल फोन से करेंगे भी क्या? साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जेल में वो बहुत साधारण कपड़ों में रहते हैं, लुंगी धोती या फिर कुर्ता पहनते हैं, जिससे मोबाइल रखने की जगह भी नहीं होती। और सीधे तरीके से उन्होंने नकारा है कि उनके पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं था। पिछले कई वर्षों से आनंद मोहन जेल में है और इसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया। हालांकि उनकी पत्नी और उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो अब राजद से विधायक हैं और ये लोग राजद ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से एक बार गुस्सा फूटा है आनंद मोहन का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए दैनिक टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।